नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए योगेश अजाई और आज हमारे साथ हैं सीए राजेंद्र अरोड़ा। नमस्ते दोस्तों, जिनके साथ हम कुछ पेक्युलर इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सर, जब जीएसटी आया, जीएसटी के साथ साथ कंफ्यूजन भी आए और क्लेरिफिकेशन भी आए। शेड्यूल 2 स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने डाला ये डिसाइड करने के लिए क्या गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ सप्लाई ऐसी रह गई जहां ये एम्बिग्युटी रह गई कि वेदर दिस विल बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसी के रिगार्डिंग सर, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग। जी, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में सर होता क्या है, जब मैं अपने प्रिंटर को कंटेंट सप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी विजिटिंग कार्ड छपना है, मेरे पैम्फलेट छपने हैं, मेरी एनुअल रिपोर्ट छपनी है या कुछ भी फॉर दैट मैटर छपना है, मैंने कंटेंट सप्लाई किए, उसके लिए प्रिंटर पेपर अपना यूज करता है, इंक अपनी यूज करता है और भी जो चीजें यूज होनी है वो अपनी यूज करता है और मुझे सप्लाई करता है। तो सर उस केस में अब कंफ्यूजन यहां आता है कि क्या मैंने उससे वो प्रिंटिंग की सर्विसेज ली हैं या फिर मैंने उससे वो प्रिंटेड गुड्स ली हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट क्लासिफाई करता हूं दोनों के रेट्स में भी फर्क आ जाता है। तो इस चीज को कैसे डिसाइड किया जाए ताकि गोइंग फॉरवर्ड हमारे ऊपर कोई भी टैक्स की इंप्लीकेशंस ना आए। बहुत अच्छा सवाल है आपका योगेश जी, और इस सवाल का जो मूल कारण है वो वही है जो आपने कहा कि भाई हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से गुड्स हैं और कौन से सर्विसेज हैं, क्योंकि गुड्स पर रेट जो है वो अलग है और सर्विस पर रेट जो है अलग है। गुड्स अगर इसको क्लासिफाई कर दे तो 5 या 12% और अगर सर्विस क्लासिफाई हो जाती है तो 18%। और जैसे कि आपने रेफरेंस दिया शेड्यूल 2 का भी, शेड्यूल 2 में स्पेसिफिकली हमें बताया हुआ है कि ये फलानी आइटमें गुड्स हैं और ये आइटमें सर्विसेज हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको सर्विस टैक्स याद होगा जहां पर नेगेटिव लिस्ट की बात हो रही थी कि ये सर्विसेज हैं और ये सर्विसेज नहीं है। सिमिलरली जो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की आप बात कर रहे हो योगेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर अब इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आई, क्लैरिफिकेशन 11 नंबर, सर्कुलर 11 नंबर जो कि उन्होंने निकाला, और उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई का मतलब है कि इसमें गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कंपोजिट सप्लाई को डिसाइड करने के लिए मुझे प्रिंसिपल सप्लाई समझनी पड़ेगी। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल सप्लाई होगी वही मेन सप्लाई होगी और वही डिसाइड करेगी कि ये गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। तो उन्होंने ये कहा कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। प्रिंसिपल सप्लाई योगेश जी वो है जो प्रिडोमिनेंट एलिमेंट है उस सप्लाई का। मतलब मैं कहूं कि अगर मैं इस पेन को सप्लाई कर रहा हूं तो इसमें प्रिडोमिनेंट एलिमेंट पेन है, ना कि इसको बनाने में जो मैंने काम किया वो है। जैसे प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की आपने बात की, जैसे एनुअल रिपोर्ट छपती हैं, बुक्स छपती हैं, ब्रोचर्स, पैम्फलेट्स, प्रिंटिंग का विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, ये सब जब छपते हैं तो उन्होंने एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया हमें बताया कि अगर रेसिपिएंट ने आपको जो प्रिंट होना है, जो भी मटेरियल प्रिंट होना है वो रेसिपिएंट ने अगर आपको सप्लाई किया है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट पे क्या मटेरियल प्रिंट होना है वो रेसिपिएंट सप्लाई करेगा आपको, आपके ब्रोचर पे क्या मटेरियल होना है रेसिपिएंट सप्लाई करेगा आपको, उसका एक्सक्लूसिव राइट है उस मटेरियल पर, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यूसेज राइट है उस मटेरियल पर। इसका मतलब ये हो गया कि इन स्पेसिफिक केस में आप उसको गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे बल्कि आप उसको प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं उस मटेरियल का जो उसका एक्सक्लूसिव राइट है ऑन द गुड्स ऑन पेपर, तो उसको हम मानेंगे सर्विस। दूसरा आपने जो पूछा कि गुड्स कब मानेंगे, गुड्स जो है अगर मान लीजिए आप लेटरेट बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, तो उसके ऊपर नाम, लोगो या डिजाइन अगर प्रिंट होगा तो उसको, क्योंकि वहां प्रिडोमिनेंट एलिमेंट जो है वो मटेरियल का है ना कि उस स्पेसिफिक कंटेंट का है जो कि उसके ऊपर प्रिंट हो रहा है, तो उसको हम मानेंगे गुड्स। तो सर मैं इसका कंक्लूजन कुछ इस तरह से निकालूं कि जो मेरे स्पेसिफिक, जो मैंने कंटेंट दिया है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो कि एनुअल रिटर्न्स हो गई या ब्रोशर पैम्फलेट्स हो गई या जो उनके ऊपर जो कंटेंट है बेसिकली, वो सिर्फ मेरा है, मेरा ही यूज है, मैं ही प्रिंट करूंगा और उसको पब्लिश कर दूंगा जहां जाके मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में मैं उससे वो गुड्स नहीं ले रहा, रादर वो प्रिंटिंग पेपर नहीं ले रहा, बट उसकी प्रिंटिंग की सर्विसेज ले रहा हूं। बिल्कुल सही। और सेकंडली अगर मैं दूसरे केस में आऊं जहां मैं उससे विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करा रहा हूं या मैं लेटर हेड्स प्रिंट करा रहा हूं, उस केस में जो मेरी प्रेडोमिनेंट सप्लाई रहेगी, अदर जो मेरे पास जो प्रेडोमिनेंट सप्लाई आएगी वो उसके पेपर की रहेगी और प्रिंटिंग इंक की रहेगी जो वो यूज कर रहा है उसमें, और उस केस में मैं उससे प्रिंटेड गुड्स ले रहा हूं। तो इसी चीज को हम डिसाइड करके हम आगे डिसाइड कर सकते हैं क्या हमें रेट लगाना है
और क्या हमें उसको ट्रीट करना है गुड्स और सर्विस। अगर ये गुड्स होगा तो चैप्टर 48 में आएगा या 49 में आएगा, और अगर ये सर्विस होगा तो चैप्टर 99 जो सर्विसेज का चैप्टर है, टू बी प्रिसाइज 89 उसका सब हेड है, तो उसमें आएगा। थैंक यू वेरी मच सर, ये काफी कंफ्यूजन वाला मैटर था जो आपने क्लियर किया है, और इसी तरह से हम आपको परेशान करते रहेंगे सर और चीजों की क्लेरिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और हमारी अगली वीडियो के लिए प्लीज वेट कीजिए, जल्दी ही आपके पास हम दोबारा हाजिर होंगे एक इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। मीनवाइल सीए राजेंद्र अरोड़ा हमारे होस्ट, थैंक यू, हमारे गेस्ट मैं कहूंगा यहाँ के, थैंक यू वेरी मच योगेश जी। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9899111220, और मेरा ईमेल आईडी gst.caarora@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर।